अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किचन विद सारा। और आज मैं लेकर आई हूँ पकौड़ों की रेसिपी, क्योंकि रमज़ान शुरू हो चुका है तो पकौड़ों के बिना तो इफ्तारी कंप्लीट नहीं होती। आलू और प्याज के पकौड़े हैं, ये सिंपल से पकौड़ों की रेसिपी है। तो जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। 1.5 कप मैंने लिया बेसन, जिसे मैंने इस तरह जूलियन साइज में काट लिया है। एक प्याज लिया है, उसे भी मैंने इस तरह काटा है। थोड़ा सा फ्रेश धनिया लिया है और 2 हरी मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला है और 1 टीस्पून साबुत धनिया है। 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है और 1/2 टीस्पून नमक है। नमक आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है और 1/2 टीस्पून है कसूरी मेथी और 1/2 टीस्पून है आमचूर पाउडर। हस्बे ज़रूरत पानी लिया है, तो बनाना शुरू करते हैं। मसाले ऐड करेंगे, सारे अच्छी तरह से मसाले ऐड कर देंगे बेसन में। अब इसको हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। साथ ही अब प्याज, धनिया और सब्ज मिर्च भी ऐड कर देंगे। आलू भी साथ में। पकौड़ों की काफ़ी रेसिपी हैं, ये एक सिंपल सी रेसिपी है, मिक्स वेजी पकौड़ा। इसे मिक्स करेंगे, पानी ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बैटर को। ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है। इस तरह से बैटर बना लेना है, क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। इस तरह 10 मिनट मैं इसे रखूंगी और 10 मिनट बाद पकौड़े तलूंगी। ऑयल गर्म हो गया है तो अब मैं पकौड़े तलने लगी हूँ। 20 मिनट मैंने रखा है बैटर को, तो शुरू करते हैं बनाना। मीडियम फ्लेम है, आलू पतले काटने हैं। पकौड़ा जल्दी से कुक हो जाए, अगर मोटे काटें तो स्लो फ्लेम पे रखें थोड़ा सा, उसके बाद फिर मीडियम फ्लेम कर दें। इफ्तार का टाइम होने वाला है, दो मिनट हो गई है। जब आपको लगे कि पकौड़ों की दूसरी साइड कुक हो गई है तो आप साइड चेंज कर लें, पकौड़ों के लिए कोई टाइमिंग नहीं है। Thank you.
ये कुक हो जाए फिर मैं निकाल लूंगी। ये कुक हो गए हैं, ऑयल गरम हो तो मैं और पकौड़े ऐड करूंगी। ये कुक हो गए हैं, ऑयल गरम हो तो मैं और पकौड़े ऐड करूंगी। ये रेडी हैं, अब मैं निकाल लूंगी। ये देखें क्रिस्पी से हैं। ये रेडी हैं, अब मैं निकाल लूंगी। ये देखें क्रिस्पी से हैं। केचप के साथ, चटनी के साथ आप इसे तार में सर्व करें। ऑयल गरम हो जाए तो अब लास्ट वाले भी मैं ऐड करूंगी। ये लास्ट वाले भी रेडी हैं, अब मैं ये भी निकाल लूंगी और अभी सर्व करूंगी क्योंकि तारी का टाइम हो चुका है। जी तो व्यूअर्स, पकोड़े रेडी हैं और इफ्तार का टाइम हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो किचन विद सारा को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।